कम वंस अगेन टू माई चैनल रोबर्स बाजार। आज हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो मैंने कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं, कुछ पांच स्टॉक्स मैंने आज के दिन सेलेक्ट किए हुए हैं। तो उनमें हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है और उस चार्ट पैटर्न के थ्रू आपको काफ़ी सहायता मिलेगी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और आगे बढ़ाने में, कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने में। तो आप ये चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। कई बार ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बिल्कुल चार्ट को ट्रेंड लाइन के हिसाब से फॉलो करते हैं। अगर आप एग्जैक्टली इसमें देखें, सबसे पहला स्टॉक है हमारा नैम इंडिया। अब इसमें देखिए, मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिछली बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो मैंने इन दोनों लाइन को मिला दिया। अब देख सकते हैं थर्ड टाइम इस स्टॉक ने वापस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं निचले लेवल यहाँ पर ये सपोर्ट्स बन रहे हैं उसके, लगातार उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ नैम इंडिया में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सपोर्ट लेने के बाद और यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पे थर्ड टाइम भी यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया डाउन साइड। तो इट मीन्स स्टॉक में अब एक ब्रेकआउट आ गया है डाउन साइड। तो यहाँ पे स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो 266.90, तो स्टॉक में भी ऐसा हो सकता है कि 260.40 इसका जो मेजर सपोर्ट है वहाँ से एक बाउंस बैक करने की उम्मीद कर सकता है। लेकिन अगर 260.40 का भी लेवल टूटता है तो इट मींस स्टॉक और नीचे गिर सकता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो 260.40, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर यहाँ से अगर कुछ बाउंस बैक मिलता है तो हमें वापस यहाँ पर 280 रुपीज़ के टारगेट जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये था नैम इंडिया के ऊपर। सेकेंड स्टॉक है हमारा शेयर इंडिया। अब शेयर इंडिया में मैंने यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करी है, लेकिन मैं इसमें आपको मार्क करके बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। इसको आप देख के समझ गए होंगे कि ये एक डब्लू पैटर्न होता है। डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हमेशा ये बिल्कुल नेकलाइन के आसपास होता है। अब नेकलाइन इसकी कहाँ थी? ये थी नेकलाइन इसकी 1245 के आसपास। 1245 के आसपास जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक नीचे तक नहीं आया यहाँ पर, और उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी मोमेंटम बनाई और 1335 का एक अपना हाई बनाया और उसके बाद बिल्कुल उसी नेकलाइन के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। ऐसे स्टॉक में अगर कोई भी पोजीशन आपको अपसाइड के लिए बनानी है तो यहाँ पे आपको अब थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको थोड़ा सा नीचे रख के चलना पड़ेगा। 1212 के आसपास एक स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा और नेक्स्ट टारगेट इसमें आपको वापस जाते हुए दिखाई दे सकते हैं 1325 के आसपास। तो इस स्टॉक को और ऐसे चार्ट पैटर्न को आपको हमेशा नज़र में रखना है। थर्ड स्टॉक है जस्ट आयल, जिसमें एक बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न चल रहा था। एक चैनल के थ्रू ट्रेड कर रहा था स्टॉक, ये देख सकते हैं आप, एक बिल्कुल चैनल पर ट्रेड कर रहा था, एक अपसाइड की मोमेंटम बना रहा था, लेकिन स्टॉक का मोमेंटम फेल हुआ और स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। अब इस स्टॉक में क्या कंडीशन बन रही है? इसका एक मेजर सपोर्ट बन रहा है 521.50, तो यहाँ पर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। 521.50 अगर ब्रेक होता है तो ये स्टॉक काफ़ी नीचे गिर सकता है। फिलहाल इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं बन रही, तो इस स्टॉक को आप अपने रडार से बाहर रख सकते हैं। अगर इसमें आपने पहले से बाइंग किया हुआ है तो इसमें कोई भी क्वांटिटीज़ अभी फ़िलहाल ऐड करना समझदारी नहीं है। तो ये था एक और अलग तरीके का चार्ट पैटर्न। तो ऐसे चार्ट पैटर्न्स को आपको नज़र में रखना है। इसके बाद अब एक और चार्ट पैटर्न है, स्टॉक का नाम है आनंद राठी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है और स्टॉक सिमटता जा रहा है। अब इस स्टॉक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आनंद राठी स्टॉक में। आनंद राठी की जो क्लोजिंग हुई है वो 660.20 रुपये के आसपास। इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश बाइंग आफ्टर इफ़ क्रॉसेस अबाउ 676.73 तो यहाँ से हमें बाई करना है। अगर ब्रेकआउट मिलता है 658 के नीचे तो इट मीन्स स्टॉक में और गिरावट आने की संभावना बन सकती है। तो ऐसे चार्ट पैटर्न को आप हमेशा अपने नज़र में रखें और जैसे ही अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो आप वहां से बाय या सेल की एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। पांचवा स्टॉक हमारा HEG है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की कंपनी। इसके बारे में मैंने अली कालक से वीडियो पोस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। इसमें मैंने 30 मिनट्स का चार्ट ड्रॉ किया हुआ था। अब इसमें आप देख सकते हैं एक चैनल को फॉलो करते हुए स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 1097 के आसपास में टारगेट देखने मिल सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए 1040 के आसपास का, 1048 सॉरी। तो इसमें 1048 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉक की क्लोजिंग जो हुई है राइट नाउ, अभी इसकी क्लोजिंग हुई है 1062 के आसपास। तो इस स्टॉक में एक संभावना बन रही है कि यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट मिलता है, हमें इस चैनल को ब्रेक करते हुए अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलता है तो इट मीन स्टॉक में एक अच्छी संभावना बनती है 1097 के टारगेट की।
तो यहाँ पे आपको जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो उसको बिल्कुल नज़र में रखें, अपने सिस्टम में ओपन रखें, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहें इसको, 5 से 10 मिनट के अंदर देखते रहें, तो एटलीस्ट आपको अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो आप तुरंत अपनी एक पोजीशन बना सकें। ऐसे चार्ट पैटर्न काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और काफ़ी मदद करते हैं आपको राइट डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए, तो ऐसे चार्ट पैटर्न को आप हमेशा नज़र में रखें। तो ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया था। थैंक यू सो मच।